आज हम बनाने जा रहे हैं गोंद तिल और मखाने के लड्डू, जो कि सर्दियों में खाए जाते हैं और बहुत ही हेल्दी होते हैं। उसके लिए हमने 50 ग्राम गोंद ली है, 50 ग्राम मखाने, 100 ग्राम सफेद तिल, 200 ग्राम गुड़ और 4 से 5 टेबलस्पून देसी घी। गैस हमने मीडियम आंच पे की है। एक कढ़ाई लेंगे, उसमें सबसे पहले तिल को ड्राई रोस्ट करेंगे और लगातार करछी चलाएंगे और इसका कलर हल्का ब्राउन होने तक इसे भूनेंगे, जब तक इसकी खुशबू आनी शुरू हो जाए। गैस को बिल्कुल लो पे रखना है, नहीं तो तिल जल जाएंगे। तिल ड्राई रोस्ट हो चुके हैं, इन्हें ड्राई रोस्ट करने में 3 से 4 मिनट लगे हैं। ये देखिए हल्का ब्राउन इनका कलर हो गया है और इनमें खुशबू भी आनी शुरू हो गई और ये खाने में भी क्रिस्पी हैं। इनको ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, इनको अब एक प्लेट में निकाल लेंगे। गैस को लो पे ही रखना है और इसी कढ़ाई में 1 टेबलस्पून देसी घी डालेंगे। घी को मेल्ट होने देंगे और इसमें गोंद आधी आधी करके फ्राई करेंगे। घी मेल्ट हो चुका है, इसमें आधी गोंद डालेंगे। ये हमने 50 ग्राम ली थी, 25 ग्राम अब और 25 ग्राम बाद में, और इसको बिल्कुल स्लो पे ही करना है फ्राई, नहीं तो ये अंदर से कच्ची रह जाएगी और ऊपर से पक जाएगी। इसको भी तब तक फ्राई करना है जब तक ये क्रिस्पी ना हो जाए। गोंद फ्राई हो चुकी है, इसको भी एक प्लेट में निकाल लेंगे। बाकी की गोंद को भी फ्राई कर लेंगे। 1 टेबलस्पून घी और डालेंगे, घी को मेल्ट होने देंगे। घी मेल्ट हो चुका है, इसमें बाकी की गोंद भी डाल देंगे और इसे भी पहले की तरह फ्राई कर लेंगे। ये दूसरा लॉट भी गोंद का फ्राई हो चुका है, ये देखिए ये भी क्रिस्पी हो गई, ये देखो। इसको भी प्लेट में निकाल लेंगे। गैस को सिम पे ही रखेंगे और इसमें 2 टेबलस्पून देसी घी और डालेंगे। घी को मेल्ट करेंगे। घी मेल्ट हो चुका है, इसमें अब मखाने भी फ्राई कर लेंगे और इन्हें भी क्रिस्प होने तक फ्राई करना है। गैस बिल्कुल लो पे रखनी है, लगातार करछी चलानी है। मखाने भी फ्राई हो चुके हैं और क्रिस्पी भी हो गए हैं। अब गैस करेंगे बंद और इन्हें एक बोल में ट्रांसफर कर लेंगे। तीनों चीजें ठंडी हो चुकी हैं, अब इन्हें हम अलग अलग दरदरा पीस लेंगे। सबसे पहले तिल डालेंगे। तिल को हमने कोर्सली ग्राइंड कर लिया है, अब मखाने को भी ऐसे ही कोर्सली ग्राइंड करेंगे। मखाने को भी हमने दरदरा ग्राइंड कर लिया है, अब गोंद को हम ऐसे मैश करेंगे, क्योंकि इसको बिल्कुल बारीक नहीं करना। गोंद को भी हमने मैश कर लिया अच्छे से, अब तीनों चीजों को एक बोल में मिक्स कर देंगे। तिल भी डाल देंगे इसमें। मिक्स कर देंगे अच्छे से। तीनों चीजें अच्छे से मिक्स हो गई हैं, इनको एक साइड में रख देंगे। गैस को हमने लो पे रखा है। इसी कढ़ाई में ये 200 ग्राम गुड़ जो हमने क्रश किया था, इसको इसकी चाशनी बना लेंगे। इसमें 4 टेबलस्पून पानी डालेंगे और इसकी एक तार या दो तार की चाशनी नहीं बनानी, इसको मेल्ट करना है और बस 2-3 मिनट इसको पकाना है ताकि ये थोड़ा चिपचिपा हो जाए। गुड़ पूरी तरह से मेल्ट हो चुका है, इसको 2-3 मिनट और पकाएंगे ताकि ये थोड़ा स्टिकी हो जाए। गुड़ स्टिकी हो चुका है, ये देखिए हाथों को ऐसे चिपक रहा है। अब गैस को बंद कर देंगे और इसी में ये सारा मिक्सचर भी मिक्स कर देंगे, जो तीनों चीजें हमने मिक्स करके रखी थी। अब इसको मिक्स कर देंगे और जब ये थोड़ा गर्म रह जाएगा तो इसके लड्डू बनाना शुरू कर देंगे। बिल्कुल ठंडा नहीं करना है इसको। मिक्सचर अच्छे से मिक्स हो चुका है, जब ये थोड़ा गर्म रह जाएगा तो इसके लड्डू बनाना शुरू कर देंगे। मिक्सचर हल्का गर्म रह गया है, हाथों को थोड़ा घी लगाएंगे और इसके लड्डू बनाना शुरू करेंगे।
ऐसे थोड़ा सा मिक्सचर हाथ में लेंगे और आप अपने मतलब के साइज के मर्जी के बना सकते हैं लड्डू, छोटे बड़े जैसे भी। और इसी तरह सारे लड्डू बना लेंगे। तो ये रही हमारी आज की रेसिपी, कैल्शियम से भरपूर मखाने, गोंद और तिल के लड्डू। ये लड्डू बहुत ही हेल्दी हैं और सर्दियों में ये बहुत फायदेमंद हैं। आप इन्हें जरूर ट्राई कीजिए और हमें अपना फीडबैक दीजिए और हमें बताइए कि आपको ये हमारी रेसिपी कैसी लगी। हमारे वीडियो को शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।